गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास थर्ड. एक्सरसाइज 11B. इसको ऐड करना है तो देखिए 3 to 5 1 6, 9 to 11 का 1 कैरी हुआ, 4 to 6 1 7, यानी 716 ग्राम्स. और केजी में क्या होगा, 4 केजी हो गया. तो देखिए केजी में 4 आ गया, 746 ग्राम्स आ गया. इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे. देखिए 3 डिजिट तक है, 639 हो गया, 5 5 10, और 1 11 का 1 हो गया, 14 और 2 16 1 17 का 7, 1 के कैरी हुआ, 7 3 10 और 1 11 का 1 हुआ, 3 2 5 1 6, यानी 61 केजी और 719 ग्राम्स. इसी तरीके से ये आप खुद से करिएगा, ये सब आप खुद से करिएगा. ये देखिए ऐड करते हैं, 7 और 6 13, 13 का 3 हो जाएगा, 13 का 3, 1 कैरी, 7 1 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो गया. और ये ग्राम्स में हो गया, यहाँ 5 2 7 1 1 2 327, ये केजी में होगा, ये ग्राम्स में होगा. इसी तरीके से इसको भी करना है, इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे. 27 ये केजी में है तो ऊपर केजी लिख लिया, और 155 ग्राम्स में है तो ग्राम्स में लिख लिया. उसी तरीके से 36 केजी में है तो, और 820 ग्राम्स ये ग्राम्स में है तो इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो ऐड कर लिया. ये हो गया 5 5 2 7 8 1 9, 13 7 6 13, 3 2 5 1 6, यानी ये हो गया, ये केजी में हो जाएगा, ये ग्राम्स में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से हम सी नंबर करते हैं. देखिए ये है 51 52 केजी, और ये ऊपर केजी लिख देते हैं, 52 केजी 110 ग्राम्स, ग्राम्स भी ऊपर लिख लेते हैं. और क्या है, 607 केजी में और 200 ग्राम्स में, इन दोनों को ऐड कर लिया. 0 0 0 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 हो गया, 650 ये केजी में, ये ग्राम्स में. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ कर लेते हैं. एफ नंबर देखते हैं, 5 ये केजी में है, 900 ग्राम्स, 9 ये 900 है, ये ग्राम्स में है. 10 केजी इस तरीके से लिखेंगे, 10 केजी, एंड यहाँ ग्राम में कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, और 6 केजी और 880 ग्राम्स, इन सबको ऐड कर लिया. 0 हो गया, ये 8 हो गया. अब इन दोनों को, ये ग्राम्स है इसको नहीं ऐड कर, 9 और 8 17, यहाँ कैरी गया 1 5 1 6 6 12 हो गया, 1 1 2 20 केजी, ये ग्राम्स हो गया, 22 केजी 780 ग्राम्स. इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.